हिमाचल के मंडी से बीजेपी के सांसद राम स्वरूप शर्मा की फंदे से लटकी हुई लाश संगीत परिस्थितियों में उनके नॉर्थ एवेन्यू के गोमती अपार्टमेंट में मिली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ एवेन्यू के गोमती अपार्टमेंट की, सुबह के वक्त की। इसकी सूचना जो है उनके ही नौकर ने दिल्ली पुलिस को दी थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे और रूम को खोला तो देखा कि फंदे से लटके हुए सांसद जी की जो लाश है वो थी। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। अभी तक ये कारण पता नहीं चल पाए हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है या उनके साथ कोई हादसा हुआ है, क्योंकि कोई भी मौके पर से सुसाइड नोट नहीं मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ एवेन्यू के गोमती अपार्टमेंट की, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद का जो शव है संगीत परिस्थितियों में लटका हुआ मिला है। सर क्या था मामला आज, जिसके से सांसद जी का मैं नहीं बता सकता हूँ। सर कितने बजे की ये वारदात है, आप यहीं पे रहते हैं, कौन से अपार्टमेंट में रहते हैं? 7:45 बजे नीचे निकला हूँ। घटना सर से निकल के मैं प्रेमसिल में टहलता रहा हूँ। 7:35 को मैं ऊपर पहुँचा हूँ। ऊपर जाने के बाद मैं व्यायाम किया और व्यायाम के बाद मैं निकला हूँ। मुझे नहीं लगा कि कहाँ से कैसे घटना हुई, किस समय की जानकारी, कितने टाइम की घटना है, लेकिन दुखद हुआ है। बहुत भले लोगों थे, अच्छे लोगों थे, और हमारे पड़ोसी और परिवार में कोई अंतर नहीं होता है कि हम सब तो बहुत दुखी हैं। इधर पूरा हमारा परिवार यहाँ रहता है, किन कारणों से जरूर पता लगना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से कुछ खबर मिल रही है, उसके हिसाब से कि वो तनाव में भी थे थोड़े, मुझे आपने देखा कुछ इस तरीके से? मेरी भेंट स्पीच नहीं हो पाई, क्योंकि मैं 15 बजे स्टेट काउंसिल की स्टीम था। कल मैं सुबह आया तो मैं हाउस गया, हाउस बाद 2 बजे आके मैं लेट गया। मैं थी हमारे चेयरमैन थे एग्रीकल्चर कमेटी के, मैंने उनसे अनुरोध किया, एक मीटिंग ली थी, मैं अनुरोध करके उनसे चलाया कि लेट गया नींद की नहीं। सर स्वभाव के कैसे थे? सर बहुत अच्छे विनम्र थे, और बहुत दुख है हम सब लोगों के लिए। ठीक है।